नमस्कार, मैं राघविंद पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3, वो भी किसका, क्लास 12th का पढ़ेंगे और इसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देख पाया है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप चाहो देख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन किसमें कितने हैं, इसमें टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं, वो भी मेरे नोट से लिए गए हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, क्लिक करके खरीद भी सकते हो। तो देखिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरफ से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानवता के लिए, मानव के लिए फ्यूचर के इंडिकेशंस क्या हैं, भविष्य के संकेत क्या हैं। भविष्य के संकेत तो बहुत बुरे हैं भैया। कैसे बुरे हैं? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही गंदी होती चली जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब्ड द इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। इन्होंने क्या, हमने, हम भी तो शामिल हैं ह्यूमन में। द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एंड अदर हार्मफुल गैसेस, और दूसरी गैसेस निकल रही हैं, डेप्लीटेड द ओजोन लेयर, उनने क्या किया है, ओजोन लेयर में कर दिया छेद। इसीलिए द हार्मफुल रेजेज ऑफ सन, जो सन की हार्मफुल किरणें हैं, रेजेज हैं, रीचेज अर्थ, वो पृथ्वी पर पहुंच रही हैं, एंड कॉज अ राइज इन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। इफ़ वी डू नॉट टेक स्टेप्स, अगर हम इसके खिलाफ या इसके लिए कदम नहीं उठाते हैं इन द राइट डायरेक्शन, वो भी सही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो आइस है, जो बर्फ है पोल्स पे, वो पिघल जाएगी। बिकम अ डेंजर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस के लिए, मानव के लिए बहुत डेंजर बन जाएगा, है ना। तो भैया ह्यूमन ने तो बर्बाद कर दिया इकोसिस्टम, अब अगर आबाद करना है, बचाना है, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पूरी वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, इस रीजन यानी इस इलाके की स्टडी अगर हम करें तो हमारे लिए कैसे ये फायदेमंद होगा। स्टडी का मतलब उसका अध्ययन करें, जैसे कि तिसानी दोषी भी गई थी वहाँ पर, उन्होंने अध्ययन किया था, है ना। तो अंटार्कटिका कैरीज इन इट्स फोल्ड्स द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका अपने आप में ही पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रखे हुए है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, ये उस दुनिया के बारे में एक आइडिया देती है जो 650 साल पहले हुआ करता था। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट, आपने नाम सुना होगा सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, बिखर गया, तो क्या हुआ, इंडिया हिट अगेंस्ट एशिया टू फॉर्म द हिमालयाज। इंडिया एशिया में आ गई और हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बन गए। ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, और करीब 12,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस हुआ, यानी कि उनका उदय हुआ, उनका स्टार्टिंग हुई। विच अमाउंट टू ओनली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, और अगर हम 12,000 सालों की बात करें तो जियोलॉजिकल के क्लॉक के हिसाब से, मगर अगर हम हिस्ट्री की बात करें अर्थ की, तो ये तो बहुत ही सेकंड्स के बराबर है। 12,000 साल बिल्कुल सेकंड्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम तो 650 मिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। देर आर एविडेंसेस, बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री के, हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ द आइस ऑन अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका पर जमी हुई बर्फ है उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं। क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपका फिर से इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर जॉफ ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आईएस एक्सपेडिशन। जॉफ ग्रीन जो ले गए थे इस कैंप को, कनाडा के थे वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को क्यों ले गए, क्या ऐसा हुआ कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही ले गए? तो देखिए, जॉफ ग्रीन को लगा यंग स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर, यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं, भविष्य तो यही बनाएंगे। एंड देयर फोर, और इसीलिए ही प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उनको दी टू विजिट अंटार्कटिका, कि आप अंटार्कटिका को घूमिए। एंड रियलाइज, और आपको रियलाइज होगा, उन बच्चों को रियलाइज होगा दैट ह्यूमन इंटरफेरेंस, के देखो ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन जो नुकसान पहुंचा रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है इन द नेचर, किसके साथ नुकसान, खिलवाड़ कर रहा है नेचर के साथ,
कैन रिजल्ट इन ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। द ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग आइस कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अगर वो लोग देखेंगे वहाँ पर कि कैसे बर्फ पिघल रही है तो उनको समझ में आएगा कि सिचुएशन असली क्या है। दे कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, कि मैनकाइंड पर, ह्यूमन पर ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या इफेक्ट जाएगा। ही वॉन्टेड देम टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, वो चाहते हैं कि सब लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लानेट, और प्लानेट की सब रिस्पेक्ट करें, उसको संभारें, बचा कर रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसका आनंद ले सकें। क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, अगर हम छोटे छोटे चीज़ों की टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो बड़ी चीज़ें अपने आप उस अच्छी हो जाएंगी। What is the relevance of this statement in the context of Antarctic environment? Antarctic environments, इसका क्या संबंध है? तो इसका संबंध यह है कि जैसे हम ओजोन लेयर में थोड़ा सा छेद होने से बचा लेते, हम पॉल्यूशन को थोड़ा बचा लेते, तो हमारी खुशी और दुगनी हो जाती है। तो देखिए, दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिक एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अगर हम अंटार्कटिक एनवायरनमेंट की बात करें। अंटार्कटिका है सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का सिंपल इकोसिस्टम है, एक चेंज, छोटा सा चेंज अंटार्कटिका में, यानी कि सॉरी एनवायरनमेंट में, यानी कि वातावरण में, कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज इन द लॉन्ग रन, तो वो बड़ा चेंज बन सकता है। अगर छोटा सा भी चेंज हम करते हैं तो एक बड़ा चेंज वो बन सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को समझने के लिए द राइटर टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ग्रास, राइटर माइक्रोस्कोपिक ग्रास का एग्जाम्पल ले रहा है, विच इज द बेसिस ऑफ एंटायर फूड चेन, जो पूरी फूड चेन पर निर्भर है। इन द साउदर्न ओशन, कहाँ पर, साउथ की तरफ, जो ओशियन में अगर हम बात करें। फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, जो एक ओजोन लेयर में छेद हो गया है, कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रास, तो उसकी वजह से इस ग्रास की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, एंड दिस इज इन टर्न, और बस अगर हम बात करें तो ये पूरी सी वर्ड्स को, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा, एज वेल एज द होल ग्लोबल कार्बन साइकिल, मतलब पूरा कार्बन साइकिल ही गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू, अंटार्कटिका पर हमें क्यों जाना चाहिए, अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, सिर्फ अंटार्कटिका पर क्यों जाना चाहिए, वहाँ जहाँ पर हम अर्थ के प्रेजेंट को, अर्थ के पास्ट को और अर्थ के फ्यूचर को समझ सकते हैं। तो भैया वहाँ सब कुछ मिलेगा। अंटार्कटिका हैज नेवर बीन इनहैबिटेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, कभी भी अंटार्कटिका पर ह्यूमन बींग्स रहे ही नहीं हैं। इट कैरीज इन इट्स फोल्ड्स द एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऐसी यहाँ पर हिस्ट्री पता चलती है जो अर्थ के बारे में बताती है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन साल पहले की अगर कोई आइडिया देता है तो वो अंटार्कटिका है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, जब बिखराव हो गया पृथ्वी में, इंडिया एशिया में आ गई, हिमालय बन गए, वहीं पर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से अलग हो गई, और ड्रैग पैसेज, जैसे हमारे यहाँ हिमालय बने, वहाँ पर ड्रैग पैसेज बन गए। इसी तरह से द प्रेजेंट वर्ल्ड टुक प्लेस, आज की जो हम दुनिया देख रहे हैं वो बना। दीज चेंजेस वर ब्रॉट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये सारे चेंजेस एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आए। द ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग आइस वार्न अस अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जो मेल्टिंग आइस यानी जो बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे हम लोगों के लिए बहुत खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस बहुत स्थिति गंभीर है। दस अंटार्कटिका प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द अर्थ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और इस तरह से अंटार्कटिका जो है वो हमें प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अर्थ के बारे में बताती है। ओके, क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, जब अंटार्कटिका पर लिए तो सानी दोषी पहुंच गई तो इनको कैसा फील हुआ। तो द राइटर वॉज रिलीव्ड टू रीच अंटार्कटिका, राइटर को बड़ा अच्छा लगा जब वो अंटार्कटिका पर पहुंच गई। द जर्नी टुक 100 आवर्स, पूरे के पूरे 100 घंटे लगे। सी वॉज अमेज टू सी द वास्ट वाइट लैंडस्केप, और जब उसने चारों तरफ वाइट ही वाइट, सफ़ेद ही सफ़ेद परतें देखी तो वो अमेज्ड हो गई, यानी कि चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई। इट डेजल्ड हर आइज, इससे पूरी आंखें उसकी चकाचौंध हो गई। द लॉन्लीनेस ऑफ द प्लेस इनवोक्ड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री, और वहाँ का अकेलापन एक रहस्य को बता रहा था। क्लियर हो चुका होगा, तो ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।